जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एयर सक्सेस फोर्स पर। सो फ्रेंड्स, बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक GDDB यांत्रिक की न्यू वैकेंसी एंड हीरो फर्स्ट 2023 बैच के बारे में। यहां पर बात करेंगे हम न्यू वैकेंसी की अपडेट के बारे में, बात करेंगे DOB क्राइटेरिया के बारे में यानी कि एज लिमिट के बारे में कि इस बार नाविक GDDB यांत्रिक की एज लिमिट क्या रहने वाली है नई वैकेंसी के लिए, और बात करेंगे हम आपकी एग्जाम डेट के बारे में। तो स्पेशली ये वीडियो पूरा आपकी न्यू वैकेंसी के ऊपर होने वाला है इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक GDDB यांत्रिक की। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए होने वाला है। यहाँ पर हम सभी मैं पहले आपके जो डाउट्स है वो क्लियर करूँगा कि जो वैकेंसी है वो कब तक आएगी, उसके बाद मैं बात करूँगा आपके DOB क्राइटेरिया के ऊपर और एग्जाम डेट के ऊपर। तो चलते हैं फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार जरूर कर लें, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे जब भी कोई वीडियो आती है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं हम सबसे पहले न्यू वैकेंसी के अपडेट के बारे में। तो यहाँ पर आप एक स्क्रीनशॉट को देख सकते हैं जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड की साइट पर लिया गया है, और उसी तरीके से जैसे कि आप जानते हैं कि इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक GDDB और यांत्रिक यानी कि तीनों की जो वैकेंसियाँ होती हैं वो हमेशा साथ में आती हैं, तो इनका जो रिक्रूटमेंट साइकिल होता है वो बिल्कुल आपका एज इट इज सेम ही रहता है। तो यहाँ पर आप मैंने रिक्रूटमेंट साइकिल पर सिलेक्ट करके पूरा यहाँ पर देख लिया। तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन का मिल रहा है, स्टेज फर्स्ट रिटन एग्जामिनेशन का, स्टेज सेकेंड एंड स्टेज थर्ड की पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिलती है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे फर्स्ट बैच को लेकर, जो कि आपका फर्स्ट बैच जैसे कि 2023 का कौन सा बैच आएगा, फर्स्ट बैच। तो 01/01/2023 बैच की बात करेंगे कि जो आपकी वैकेंसी है वो कब तक आएगी आपकी 01/01/2023 बैच की। तो फर्स्ट बैच की बात करते हैं, यहाँ पर नाविक GD का मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, तो आप यहाँ पर कन्फ्यूज़ मत हो। तो ये जो आपका DB और यांत्रिक तीनों के लिए सेम ही रहता है, सिर्फ आपकी एज लिमिट में डिफरेंस आपका रहता है। तो देखिए, अगर हम एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो आपका यहाँ पर जुलाई में शो हो रहा है, तो आप इसको समझ सकते हैं कि जो आपकी वैकेंसी है वो आपकी जुलाई में आ जाएगी, क्योंकि इंडियन कोस्ट गार्ड का कोई भी रिक्रूटमेंट अभी तक डिले नहीं हुआ है। अगर हम वैकेंसीज को देखें, चाहे कोविड का सीन रहा हो, चाहे कुछ भी सिचुएशन रही हो, कुछ भी कंडीशंस रही हो, जो आपका बैच है वो यहाँ पर अगर आप एक छोटा सा नोट में देख सकते हैं फर्स्ट नंबर पर, फर्स्ट बैच है साइकिल जून जुलाई। तो यहाँ पर उन्होंने जून से लेकर जुलाई तक, यानी कि ये आप मान के चलिए कि जो आपकी नई वैकेंसी है वो आपकी 15 जुलाई तक हर हालत में आपकी न्यू वैकेंसी आ जाएगी। क्योंकि यहाँ पर आप देख रही है, मैंने नहीं, ये इंडियन कोस्ट गार्ड की साइट पर खुद ही कि एडवर्टाइजमेंट है, वो जून से जुलाई के बीच में आपका आ जाता है और एप्लीकेशन आपको जुलाई में स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि 3 से 4 दिन बाद आपके एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये मान के चलिए आपकी जो वैकेंसी है वो आपकी जुलाई में आ जाएगी। बात कर लेते हैं हम आपके स्टेज फर्स्ट यानी कि रिटन एग्जामिनेशन के बारे में। जो रिटन है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिड लिखा हुआ है कि मिड ऑफ सेप्टेम्बर प्रीवियस ईयर में जो आपका एग्जाम हुआ वो मिड में हुआ बैक। तो ये बिल्कुल आप कन्फ्यूज मत हो कि यहाँ पर जो आपका जो एग्ज़ाम रहता है वो हमेशा एंड ऑलवेज, ये मान चलिए कि अभी तक हम इंडियन कोस्ट गार्ड के एग्ज़ाम को देखते हैं तो वो ज़्यादातर मंथ के लास्ट में कंडक्ट कराए जाते हैं, मंथ के लास्ट में कंडक्ट होते हैं। तो एग्ज़ाम का एक आपका एनालिसिस मिल गया कि आपका जो एग्ज़ाम है वो तो सितंबर में होगा, ये तो आपका कन्फर्म है, और सितंबर के मेरा बताना काम है कि आपके सितंबर के लास्ट में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। वही मान के चलिए कि 20 सितंबर के बाद फिर आपके चांसेस बन जाएंगे कि आपका 20 से स्टार्ट हो, 24 से हो, आपका 25 से हो, 26 से हो, यानी कि लास्ट के सितंबर में आपका जो एग्ज़ाम है 20 सितंबर के बाद आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आई होप यहाँ पे आपकी जो वैकेंसीज को लेकर आपका डाउट क्लियर हुआ कि आपकी वैकेंसी है वो आपकी जुलाई में आएगी और आपका एग्ज़ाम लास्ट सितंबर में आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा। अब चलते हैं हम आपके नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, जहाँ पर बात करेंगे आपकी एज लिमिट के ऊपर। तो एज लिमिट को मैंने यहाँ पर पूरा लिख के रखा है जिससे आपको समझ में आ जाए, क्योंकि लिखने में थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम्स होती है और आपको समझ भी नहीं आता। तो यहाँ पर हम बात करेंगे नाविक GD स्टेज फर्स्ट यानी नाविक GD 01/01/2023 बैच की एज लिमिट के ऊपर। तो एज लिमिट को यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपकी एज लिमिट होने वाली है नाविक GD और यांत्रिक यहाँ पर आपका यांत्रिक मेंशन नहीं है, तो आप इसको यांत्रिक भी कर लें, क्योंकि आपको एक बात पता होगी कि नाविक GD में और यांत्रिक की जो एज लिमिट होती है वो आपकी हमेशा सेम रहती है, बस आपकी जो नाविक DB की जो एज लिमिट होती है वो इनसे दो या तीन महीने आपकी आगे पीछे चलती है नाविक DB वालों की। तो ये जो एज लिमिट है ये आपकी नाविक GD और यांत्रिक वाले स्टूडेंट्स के लिए है। जो भी आपका नाविक GD और यांत्रिक के लिए अपना 01/01/2023 बैच में एलिजिबल होगा कैंडिडेट, वो यहाँ पर देख लें कि इस बार की जो एज लिमिट है वो आपकी क्या रहने वाली। तो इस बार की जो एज लिमिट है वो रहने वाली है 1 फरवरी 2001 से लेकर आपकी 31 जनवरी 2005। तो ये आपकी बिल्कुल फाइनल डेट, इसको मान के चलिए कि अगर थोड़ा बहुत भी यहाँ पे एक दो दिन का आपको चेंजेस देखने को मिल सकता है अगर आपकी वैकेंसी वगैरह डिले वेले होती है कुछ, लेकिन जो आपकी एज लिमिट है यही निकल के आती है कि आपकी जो न्यू वैकेंसी की जो एज लिमिट होगी वो होगी आपकी 1 फरवरी 2001 से लेकर 31 जनवरी 2005।
तो आई होप यहाँ पर आपकी एज लिमिट के ऊपर नाबिक जीडी और यांत्रिक के वाले स्टूडेंट्स की ये एज लिमिट मैंने यहाँ पर दिखा दी। अब मैं बात करूँगा नाबिक डीवी वाले स्टूडेंट्स की, उनकी एज लिमिट क्या रहने वाली है। यहाँ पर एक बात और क्लियर कर देता हूँ कि जो आपका एज रिलैक्सेशन मिलता है, काफ़ी स्टूडेंट्स की कमेंट में आती है उनकी डेट ऑफ बर्थ लिख के कि मेरी इतनी है और मैं इस कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ तो मेरा क्या उसमें जो हम एलिजिबल हैं। तो हम बात कर देते हैं कि एज रिलैक्सेशन किनको मिलता है, एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं। तो एससी एंड एसटी, यहाँ पे एज रिलैक्सेशन देख लीजिए, एज रिलैक्सेशन जो होता है वो एससी एसटी को 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलता है, 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलता है, यानी 5 साल की छूट मिलती है। और वो भी किस बेसिस पर, आपको सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। जो आपका जाति प्रमाण पत्र होता है वो आपको सेंट्रल का बनवाना पड़ेगा। तो आपकी जो एससी एसटी वाले स्टूडेंट्स को जो एज लिमिट में छूट है वो 5 साल की है, और वो भी किस बेसिस पर, आपको सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। वही बात कर लेते हैं हम आपके ओबीसी वाले कैंडिडेट्स की। तो ओबीसी में सिर्फ और सिर्फ नॉन क्रीमी, क्योंकि दो कैटेगरीज डिवाइड होती है, तो नॉन क्रीमी वाले स्टूडेंट्स को यहाँ पर ओबीसी में 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलता है, और आपको भी सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। तो आपको भी सीएस यानी कि सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं नाबिक डीवी वाले कैंडिडेट्स की। तो नाबिक डीवी वाले कैंडिडेट्स यहाँ पर देखें कि नाबिक डीवी 01/2023 बैच की जो एज लिमिट है वो क्या रहने वाली है इस बार। तो इस बार की जो आपकी एज लिमिट है वो रहने वाली है 1 अप्रैल 2001 से लेकर, देख लें थोड़ा आपको फ़र्क देखने को मिलेगा, 2 से 2.5 महीने का आपको यहाँ पर फ़र्क देखने को मिलता है, 2 महीने का कम से कम, तो 2 महीने का देखने को मिलता है। तो इस बार की जो एज लिमिट है वो आपकी 1 अप्रैल 2001 से लेकर आपकी रहने वाली है 30 मार्च 2005। ये आपकी न्यू वैकेंसी की एज लिमिट रहने वाली है नाबिक डीबी वाले कैंडिडेट्स की। 01/2023 बैच की जो एज लिमिट है 1 अप्रैल 2001 से लेकर आपकी 30 मार्च 2005 रहने वाली है नाबिक डीबी वाले स्टूडेंट्स की। और यहाँ पर आपको एक बात और बता देता हूँ कि ये दोनों डेट्स आपकी इंक्लूड होती हैं। अगर इन डेट्स पर भी अगर आपका जन्म होता है, अगर आप इन स्टेज पर इस कैटेगरी में आते हैं तो आप एलिजिबल होते हैं। अगर आपका जन्म 1 अप्रैल 2001 को हुआ है और लास्ट में अगर आपका 30 मार्च 2005 को हुआ, तो आप दोनों लोग फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो आई होप आपके जो एज लिमिट को लेकर हैं डाउट्स वो दोनों क्लियर हुए होंगे, आपकी वैकेंसीज को लेकर, आपकी एग्जाम डेट को लेकर। तो ज़्यादा समय आपके पास सितंबर का अगर आप काउंट करेंगे तो मई आपका चल रहा है, यानी कि 3.5 महीने 4 महीने अभी आपके पास हैं, 4 मंथ आपके पास है। तो आप अपनी उस तैयारी को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि आप कट ऑफ का सीन जानते हैं कि किस टाइप की कट ऑफ जाती है नाबिक डीवी और जीडी यांत्रिक वाले स्टूडेंट्स की। तो आप उसी हिसाब से 4 महीने आपके पास है, तो आप अपनी तैयारी को जारी रखिए। और अगर आपका कोई भी डाउट्स वगैरह बनता है तो आप पूछ लीजिए, आपको जो कमेंट में अगर आप पूछ सकते हैं, और उसका जवाब देने की जो कोशिश मैं ज़रूर करता हूँ कि जिसकी किसी भी आपके जो डाउट्स हैं वो आपसे छूटे ना। और अदर भी अगर आपकी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तब आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचता रहता है। तो अपने वीडियो को अपने सब्सक्राइब करें, अपने चैनल को और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।